हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि ये मेरे पास में है रेडियन BS6। आप देख सकते हो थ्रोटल बॉडी गाड़ी के अंदर लगी हुई है, BS6 का मॉडल है। बात इस चीज़ के बारे में करने वाला हूँ कि इसकी जो किक है वो चारों तरफ को पूरा घूम रही है। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर वो चारों तरफ को पूरा घूम रही है, जबकि किक एक जगह जाके इधर रुक जानी चाहिए। जब हम मारेंगे तो ऐसे लगने के बाद वापस आएगी तो इस तरीके से आके अटक जानी चाहिए। अब इसमें कंडीशन क्या रहेगी, अगर कस्टमर चलाएगा तो इसकी गेयर के साथ साथ एक किक की गरारी भी करड़ करड़ की आवाज़ करती रहेगी। गाड़ी का इसका एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से किक इसकी शाफ्ट पूरी यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो मुझे लगा था कि इसके ग्रूफ जो है ये वाले ख़राब हो गए होंगे, किक हमारी स्लिप होने के बाद इधर पड़ गई होगी आके। लेकिन खोलने के बाद पता लगा कि साफ, हमने जब किक खोली तब पता लगा कि इसके ग्रुप यहाँ से बिल्कुल ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारे ग्रुप बिल्कुल ठीक है यहाँ से। तो कंडीशन ये है कि अंदर से इसका कुछ टूट चुका है और टूटने की वजह से ये पूरा घूम रही है। आप देख सकते हो कि इसकी सापट भी पूरी नहीं बाहर निकल रही है, सापट खींचो, इसकी सापट भी पूरी बाहर नहीं निकल पा रही है। तो मैं इंजन खोल के पूरा कम्प्लीटली आपको दिखाता हूँ, इसके गियर बॉक्स की फिटिंग भी दिखाता हूँ कि गियर बॉक्स की इसके फिटिंग किस तरीके से होती है, और किक का सिस्टम भी दिखाता हूँ कि इसका टूटा क्या है। तो दोस्तों, इस गाड़ी का क्या है, हमारा ये टूटा हुआ निकला है। तो आपकी किक, आपके पास कोई बाइक इस तरह की आती है और किक में इस तरह की प्रॉब्लम दिखती है, तो उसमें दो ही कंडीशन होगी, या तो आपके ये वाले दोनों बोल्ट टूटे हुए होंगे या फिर आपका चैम्बर टूट चुका होगा। केवल ये वीडियो मैंने एक पहचान के लिए बनाई है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या पहचान आपको करनी है। ये किक साफ है, आप देख रहे हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी हमारा चैम्बर ही टूटा है। तो दोस्तों, ये गियर बॉक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये गियर बॉक्स मेरा न्यूट्रल है इस समय, देख आप भी सकते हो इस तरीके से गियर लगा के जिस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट गियर लग चुका है और लगा है इस वाली गरारी के नीचे, इस वाली गरारी के अंदर लगा है, जो हमारी चैन वाली शाफ्ट होती है उस पर लगा है, सबसे नीचे वाली गरारी पर। अब उसके बाद हम इसको घुमाएंगे तो हमारा दूसरा गियर लग चुका है। ये वाली जो हमारी गरारी है ये नीचे की तरफ गई है, क्लच वाली शाफ्ट में नीचे की तरफ गई है। अब इसके बाद और घुमाएंगे तो ये हमारा तीसरा गियर लग चुका है इस वाली गरारी में, जो हमारी चैन वाली शाफ्ट है। और इसको और घुमाते हैं हम तो ये चौथा गियर लग चुका है इस वाली गरारी में, क्लच वाली शाफ्ट के अंदर जो गरारी होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा, इस गरारी को आप किसी भी साइड से बदल सकते हो, किसी भी साइड से डाल सकते हो। इसमें एक वाशर होती है ऊपर की तरफ, ये हमारा चौथा गियर की गरारी है, चौथे गियर की गरारी है ये वाली हमारी, क्लच की शाफ्ट में जो होती है। इन सब के नीचे होंडा की तरह वाशर होती है, जैसे होंडा की बाइक में वाशर होती है वैसे ही वाशर होती है इसके अंदर भी। तो मैं दिखाता हूँ निकाल करके आपको, ये हमारा तीसरा गियर है, ये हमारा तीसरा गियर है, इसके नीचे भी वाशर है, और ये वाला हमारा चौथा गियर है, ये ऊपर की तरफ आता है इस वाली गरारी में। ये चौथा हो गया ये वाला, और इस शाफ्ट में तीसरा हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये वाला, और फर्स्ट वाला हो गया हमारा ये वाला। अब बात आती है इसके सेलेक्टर की, कि सेलेक्टर आप किस तरीके से पहचाने। पहली बात तो ये है दोस्तों कि सेलेक्टर उल्टा सीधा लग ही नहीं सकता है। सपोज करें सेलेक्टर हमारा इस तरीके से लगता है, तो अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो ये सही नहीं बैठेगा। इस साइड में अगर इसको आप लगाओगे इस तरीके से तो ये सही नहीं बैठेगा, इस साइड में लगाओगे तो ये हमारा सही से बैठ जाएगा इस तरीके से। यानी ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें पहचान क्या है।
तो ये हमारा बड़ा है और ये हमारा छोटा सिलेक्टर है। ये बड़े वाला हमारा चैन वाली शाफ्ट पे लगेगा और छोटे वाला हमारा क्लच वाली शाफ्ट पे लगेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।